साहेब मेरा नित नवा सदा सदा दाता हर युग दे विच आंदा है नवे ही प्रेम लीला रच दिंदा है नवे ही रंग दिखांदा है। साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता बेअंत है उस दे चोजां दा रंगां दा खेडां दा कोई अंत नहीं है। भगवान राम तशरीफ लै तरेते दे विच बनवास हो गया है चित्रकोट च विराजमान हैं। माता सीता जी नूं एक दिन फिर आखदे हैं कि सीता हुण आपां अपना खेड आरंभ करिए जिस खेड वास्ते इस मात लोक च आए हैं वो खेड आरंभ करिए। सास संगत जी खेड आरंभ हो गया है एक दिल नूं हलान वाला खेड एक इस मात लोक नूं जगान वाला खेड जो फिर उस खेड दे विच भारत जी विछोड़े विच जिस बिरह नूं वैराग नूं जिस प्रेम नूं प्रगट करदे हन केड़ी बिरह केड़ा प्रेम केड़ा वैराग जेड़ा सारे संसार नूं प्रकाश कर सकता है। ऐसी बिरह ऐसा प्रेम ऐसा वैराग जिस तरह लक्ष्मण जी अपने वीर वास्ते अपने भगवान वास्ते अपना आराम सुख सब कुछ त्याग देंदे हैं और रामायण प्रेम भरी रामायण बनी और एक प्रेम दी महान प्रेरणा बन गई है संसार वास्ते एक जीवन प्रदान किया है संसार नूं और कर रही है। द्वापर आ गया भगवान कृष्ण अत तो ज्यादा प्यार करते हैं अर्जन नूं। अर्जन अपनी समर्था नाल अपने वीर नूं सखा नूं हद तो ज्यादा प्यार करता है और खेड कदां आरंभ करते हैं जिस खेड वास्ते नारायण ते नर आप आए हैं वो खेड आरंभ कदां करते हैं। महाभारत के मैदान जंग दे विच तुसी इतिहास तो वाकफ हो किस तरह उस रथ नूं जिसनूं आप चला रहे हैं दोनों फौजां दे विच रथ नूं लिजा के खड़ा कर दिंदे हन। अर्जन अपने सखा नूं वीर नूं भगवान नूं चारों पासे देख के प्रश्न करने शुरू कर दिंदा है। अर्जन युक्ति की वरतदा उस खेड दे विच जिस खेड वास्ते तशरीफ ले आए हैं भगवान कृष्ण ते वीर अर्जन की युक्ति वरतदा है प्रेम कर रहा है अपने ही सखा भगवान नूं अपने ही सतगुरु नूं उस प्रेम दे विच सवाल कर रहा है ते जवाबां दे विच अपने ही प्यारे दा अपने ही भगवान इष्ट दा सारा ही प्रेम खिंच लैंदा है। उस प्रेम ने एक स्वरूप एक रूप अख्तियार किया है माता गीता दा। अर्जन दा प्रेम भगवान दे प्रेम नूं माता गीता दे रूप दे विच सारे दा सारा खिंच लैंदा है। अर्जन जो परपकार इस दुनिया ते कर रहा है उस प्रेम नूं
सारे ही प्रेम नू खिच के भगवान कृष्ण दे उस प्रेम नू इस संसार वास्ते अनमोल गीता दे विच सब नू ओ प्रकाश ओ प्रसाद बन दिंदा। साध संगत जी ओही अनमोल गीता इस जगत दे प्राण बन जाती है, एक नस्तारे दा महान साधन बन जाती है। कल युग आया, कलयुग दे विच फिर निरंकार निरंकार फिर केड़ा नवा ही चोज खेड़दा है, नवा ही रंग चढ़ांदा है, नवा ही खेड खेड़दा है, एक नवा ही रूप सजांदा है। साध संगत जी 1999 दी 300 साल शताब्दी जो बैसाखी साहब दी 10 साल पहले आई, उस दिन साहब दे अशारे हुक्म दे विच ही सेवा आरंभ कीती है उस शताब्दी। ते इस साल उस प्रकाश की खोज शताब्दी, उसके बाद नाल ही एक तीजी शताब्दी गुरु ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे 300 साल गुरगद्दी दिवस की शताब्दी, उस दे नाल ही 300 साल ओ निरंकार जेड़े स्वरूप नू तार के इस संसार च एक तो दो बन के आया सी, जिसने इस कली दे विच एक नवा ही खेड खेडिया है, नवा ही धर्म नू रंग चढ़ाया है, उस दी अकाल गमन दी 300 साल औशता दी। ए 10 साल ओ हन जेड़े मेरे दशमेश पिता ने जेड़े खेड खेडे हन, ए निरंकार दे प्रकाश दे 3 अलहदा पख हन। पहला पख ता जेड़ा प्रकाश उस वेले प्रेम दा केशगढ़ साहब खेडिया है, जिस तरह उस प्रकाश नू ए संसार दे विच प्रगट कीता है, और उस दे बाद फिर जिस तरह सारे सरबंस नू उस प्रकाश दे विच लटाया है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जिस धर्म की खातर सेवा की खातर साहब आए हैं, फिर जिस तरह प्रेम आहुतियां दतियां हैं, और उस प्रेम आहुति उस प्रेम दे विच जो शिखर दे रंग खेडे हैं, रंग चढ़ाए हैं, चोज वरते हैं, आ महान आहुतियां दी सेज बनाई है, और साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया है। साध संगत जी फिर उन्हां दा तीजा प्रकाश, जिस तरह निरंकार इस संसार दे विच इस मात लोग इस दे नस्तारे दी खातर सब कुछ अपना कुर्बान करी जा रहा है, उस वेले अपने आप नू बिल्कुल लोप करके अलहदा होके साहब दे चरना सब नू समर्पण करके फिर किस तरह उसे प्रकाश दे विच अलोप हो जांदे। साध संगत जी ए उस प्रकाश दी अकथ कथा है, उस दी ओ अगम कथा है, जिस नू आप दे नाल सांझा करन दी कोशिश कीती जा रही है।